पहले एटमॉस्फेयर थोड़ा कंड्यूसिव हो जाए, यू नो, कोशिश कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के जहाँ दोनों तरफ से जो जो जज्बात हैं, यू नो, थोड़ा कंट्रोल हो जाए, एंगर कंट्रोल हो जाए, और उसके बाद, बिकॉज व्हेन यू आर एंग्री नोबडी इज रेडी टू लिसन टू ईच अदर, यू आर शाउटिंग एट ईच अदर, यू नो. सो हम कोशिश कर रहे हैं माहौल बनाए इसके लिए, और डायलॉग इज द ओनली वे, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं. एंड डायलॉग नॉट फॉर कि हम डायलॉग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ ये सेपरेटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है. डायलॉग इज फॉर द पीपल हु आर, यू नो, विद द कंट्री, जो वोट डालते हैं, जो निकलते हैं, उनकी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए, सो दैट दे आर एबल टू लिव विद, यू नो, देयर हेल्थ, अपना इज्जत से अपना. अभी घर से निकलते हैं, पता नहीं कहीं कहाँ पत्थर पड़ जाएगा, कहाँ गोली चलेगी. तो वी शुड नॉट, यू नो, टेक कीप द होल सिचुएशन हॉस्टेज, क्योंकि हमने जी इनके साथ बात नहीं करनी है. इनके साथ बात क्यों करनी है? उसका मकसद है कि जो जनरल जम्मू कश्मीर की पब्लिक है, उनको एक रिलीफ देना है. इट हैज टू बी एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग, चाहे जो भी सरकार हो, जो भी हो, कुछ एक इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जो कीप ऑन एंगेजिंग, यू नो, उसके साथ कोई कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी साथ साथ करते रहे आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जब आप करेंगे, उससे जनरल माहौल अच्छा हो जाता है. जब जनरल माहौल अच्छा होता है, ओवरऑल फील गुड फैक्टर लोगों में आ जाता है, तो जो दूसरा ग्रुप होता है उन पर भी वो दबाव बन जाता है. बिकॉज वेन यू आर एबल टू विन ओवर द पीपल, दैट ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ, यू नो, प्रेशर फॉर देम ऑल्सो, नो, यू हैव टू, यू नो, मूव फॉरवर्ड. जहाँ तक यूनाइटेड नेशन के इसकी बात है, तो देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है, जंग होती है, वी आर द वर्स्ट सफरर्स. अभी भी हमारे लोग जो है बॉर्डर पे बहुत परेशान हैं. एक बार वाजपेयी जी के टाइम में जब वो सीज फायर हुआ था, तो कई साल तक 2008 तक लोग जो हैं बिल्कुल बेखौफ रहते थे, जीते थे, मरते थे, खाते थे, पीते थे. पर अब पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा खराबी है, और इस बार तो बिल्कुल ही खराबी. इसी तरह जंगें भी बहुत हुई हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं हो. तो अगर ऐसा कुछ होता है बोथ कंट्रीज, हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत अच्छी कोशिश की थी, ही वेंट टू पाकिस्तान दैट डे, लाहौर चले गए, शादी भी अटेंड की, पर अनफॉर्चुनेटली पठानकोट हुआ. बट वी हैव टू पिक अप द थ्रेड्स वंस अगेन. अगर वो इस किस्म का कोई माहौल बना पाते हैं, उसमें कोई फैसिलिटेट कर पाते हैं कि द बोथ द, यू नो, साइड्स सिट टुगेदर एंड, यू नो, सॉर्ट आउट थिंग्स, तो मुझे लगता है इट्स हमारे लिए, तो जम्मू कश्मीर के लिए तो अच्छी खबर होगी.